हेलो एवरीवन, माय से सोनू फाटमल आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के बारे में। और बुंदेलखंड का आज आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बुंदेलखंड है और क्या है, प्रश्नमाला 10 में है। तो प्रश्नमाला 10 में हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं बुंदेलखंड का फॉर्मूला, वो मेरा इसके बेसिस पर होने वाला है। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, मैंने वो सिखाया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस इसके इसको मतलब कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, और उसके बाद फिर इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो जोड़ने का घटाने का, बस फिर आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन काम क्या है कि उसको पहले सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हल्का सा लॉजिकल है, बट मैं आप हूँ ना आपके साथ। अब यहाँ समझिए, तो देखिए यहाँ पे क्या 49x² दिया गया है। आप ये बताइए, मैंने आपको सिखाया था वर्ग निकालने के लिए कि 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और यहाँ पे x स्क्वायर से हम x बाहर निकाल लिए और यहाँ पे कर दिए पूरे का ऊपर स्क्वायर, कर सकते हैं। इसका मतलब कि 7 के ऊपर भी स्क्वायर है 49 हो गया, और यहाँ पे x का मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर बताइए, माइनस अपनी जगह पर रहेगा तभी ये वाला फॉर्मूला जो सूट खाएगा। अब यहाँ पे 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, किसका अगर हम दो बार गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 का, ठीक है। और ये वाई का तो हो गया वाई, यहाँ पे यानी 4y का होल स्क्वायर बन गया ना, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, वो जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y, और घटाएंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 4y हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 ये होता है 8 का स्क्वायर, और ये तो हो गया x को बाहर कर देना है, तो देखिए भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, कितना आसान है ना। यहाँ देखिए क्या सेम चीज़, ये हो गया वाई का होल स्क्वायर। नंबरिंग में हल्का सा आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है जोड़ते हैं और फिर एक बार घटाते हैं, वाई प्लस 11 हो गया और यहाँ से वाई माइनस 11 हो गया। यहाँ समझिए क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और ए तो जान ही रहे, तो 2a का होल स्क्वायर, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कर दिए 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, क्या करना है, कर दीजिए ए स्क्वायर, अब यहाँ से हाँ कॉमन लेने मत चला जाएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन वैसे आपको नहीं बनाना है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये वो जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए यहाँ पे 16 हो गया 4 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि ए निकलेगा, बी स्क्वायर यानी बी निकलेगा, तो 4ab का होल स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो हो गया इस प्रकार से, ये जोड़ेंगे और घटा देंगे तो 4ab प्लस 5 और उसके बाद फिर 4ab माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इतना आसान है नहीं, तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं कि दोनों से x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में, क्योंकि हमको स्क्वायर में बनाना है, हमको तो स्क्वायर फॉर्म में ला के बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो था नहीं, तो क्या कर देगा दोनों में x था तो x बाहर निकाल लिए, यहाँ बचा 64, अब ये बचा जाएगा बाहर में और अंदर वाले का होगा तोड़ेंगे, तो हो गया 8 का स्क्वायर 64। अब सॉल्व कर दीजिए, ये अपनी जगह पर ही है, इसको खाली चेंज करना है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़, क्यूब दिया गया तो पी बाहर निकालते हैं। अच्छा हाँ, आप बोल रहे थे कि आप यहाँ पे कॉमन क्यों नहीं निकाले, सर आप इसको कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कॉमन निकालेंगे तो क्या आंसर आ सकता है, सेम ही हल्का सा चेंज घुमा दिया गया है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 पे देखा दोनों में कॉमन है, यहाँ से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 16 होता है, 4 बचेगा, पी निकालने पे बचेगा पी स्क्वायर, अब यहाँ बचेगा 1, ये पूरा पूरा निकाल चुके हैं। अब ये जो 4p है ये मेरा बाहर में ही रहेगा, अंदर में हो गया ये वाला, तो हो गया 4 हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया पी का होल स्क्वायर यानी 2p का होल स्क्वायर माइनस हो गया, अब 1 का स्क्वायर करने पे भी तो 1 ही आता है। अब क्या करेंगे, वो जोड़ेंगे और घटा देंगे, यानी 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1 हो गया, कितना आसान है, यहाँ समझिए। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब ना कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16, अच्छा 16 से कट जाता है, तो 16 में तो कॉमन मिल ही रहा है, 16 भी निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब भी बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा 16 9 144 होता है 9 बचेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये जैसा है इसको वैसे रहने देना है,
ऐसा कीजिए सॉल्व, ये हो गया एक्स का स्क्वायर और 9 हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे वो जोड़ते हैं यानी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, अगर घटाते हैं यानी कि एक्स माइनस 3 हो जाएगा, हो गया आपका ये वाला आंसर, ठीक है। दो चार मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में चला आए। जब मैं फोन नहीं बिठा रहा, क्या बात नहीं। देखिए ध्यान से कितना बज रहा, 9:45 हो रहा। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मेरा स्कूल छुट्टी है दुर्गा पूजा को लेकर के, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ। ये वीडियो के लिए मैंने 2 सिम पे अपना रिचार्ज करवाया, जियो पे करवाया 2 GB पर डे और एयरटेल में मैं करवाया हूँ पहले से ही 1.5 GB पर डे। एक ये समझिए, 1 - b - c का होल स्क्वायर, सबसे आसान है ये वाला, उतना हार्ड नहीं, 2 लाइनों बनी जाएगी। उसके बाद एक लेके चलते 21 नंबर, इसमें क्या है 3x - 4y का होल स्क्वायर और ये हो गया 25z², ठीक है। ये दो लाइनों बनी जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक 22 में आते हैं, 22 में क्या है x² - y² - 2y - 1 है, ठीक है। और एक यहाँ पर है 23 नंबर, 25 - a² - b² - 2ab। अब देखिए ये कैसे बनने वाला है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए, हमको इस फॉर्म में लेके आना, बस कुछ भी हो जाए हमको दोनों को स्क्वायर में लाना है किसी भी तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, थोड़े देर पे 1 ही आने वाला है, हाँ थोड़े देर पे क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। और यहाँ पे मेरा देखिए दिया हुआ b - c का होल स्क्वायर, तो a² - b² हो गया। अब यहाँ समझे वो जोड़ते हैं तो 1 और यहाँ पे करेंगे प्लस, जब प्लस करेंगे तो कोई भी साइन में चेंजिंग नहीं आता है, जैसा है इसको वैसे रहने देना है। लेकिन अब सेकंड में 1 - जब माइनस किया तो साइन में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा, तो जहाँ पर प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ पर माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 - b + c हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा और माइनस प्लस के अंतर को देखिएगा, सबसे फंसाता है मैथ में माइनस प्लस वाला अंतर ही, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ पहले से स्क्वायर में, ठीक है इसको फॉलो करें, इसको करना है स्क्वायर में। देखिए अभी 25 है तो 25 बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5z का होल स्क्वायर हो गया 25z². अब देखिए a² - b² बीच में माइनस होना वो जरूरी है, अब क्या करेंगे जोड़ेंगे और घटा देंगे, यानी कि 3x - 4y + 5z और अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 3x - 4y - 5z चला आएगा, हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, सेम इसके जैसा ये वाला, ठीक है समझिए ध्यान से, x² - y² तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर तीनों में माइनस दिया हो तो हम तीनों से क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर देते हैं, अंदर में क्या बचेगा पता है y² और y माइनस बाहर निकाले तो क्या बचेगा +2y और यहाँ भी निकालें तो क्या बचेगा +1। ये तो ठीक है अपना जगह पर x² दिया गया है, और यहाँ पे सोचिए दिमाग लगाइए ये किसका फॉर्मूला है a² + 2ab + b² का, यहाँ पर b का मान 1 है और a का मान y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y + 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये भी हो गया a² - b² जोड़ना है घटाना है, तो एक हो जाएगा जोड़ेंगे तो x प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है लेकिन माइनस में हो जाता है, तो x माइनस क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा -y और ये हो जाएगा क्या -1 हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ पे देखिए सेम डिटो वही क्वेश्चन है, बस नंबर दे देंगे तो बोल सकते हैं ये हो गया 5 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा a² और इसको हम सजाएंगे नहीं छोड़िए, हो गया इतना +2ab। अब देखिए क्या है, ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, अब इसको आप ऐसे बोलिए a² + b² + 2ab या फिर इसको ऐसे बोलिए कि a² + 2ab + b², बात तो बराबर ना है, तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो वो जोड़ेंगे घटा देंगे तो वो जोड़ने पर क्या आएगा कोई साइन चेंजिंग नहीं होगा, और घटाने पर क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, हो गया। कितना आसान है, आपको हार्ड लगता है, बस लास्ट का कुछ क्वेश्चन और मैं लेकर चलता हूँ, उसके बाद फिर आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा पूरा पूरी फिनिश हो जाएगा।
देखे ध्यान से कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अच्छा 24 में आते पहले। 25a² - 4b² + 28bc - 49c² ये थोड़ा लंबा बनने वाला है, ठीक है। और एक और लेके चलते हैं, दो और लेके चलते हैं। एक 27 नंबर पर यह 16² - 12², ठीक है। एक वाले का चलते हैं 30 नंबर 7.8² - ठीक है। चलिए यहाँ समझिए 24 कैसे बनने वाला, ध्यान से समझिएगा क्योंकि सभी को करना पड़ेगा फॉर्मूला में सेट। ये तो हो गया, हम बोल सकते हैं कि 5a² यहाँ पर क्या है, माइनस को पहले बाहर निकालते हैं, अंदर में क्या बचेगा 4b² यहाँ पर प्लस है तो वहाँ हो जाएगा -28bc और यह जगह माइनस है तो जगह +49c² हो गया। यहाँ से हो गया 5a² अब यहाँ से क्या हो गया, इसको पहले देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। ये हो गया 2b² यानी a², इसको नहीं पता क्या होने वाला है, आगे बढ़ते इसमें आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7c² लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ समझ में आया आपको, a² और ये हो गया b², यानी कि a मिल गया और b मिल गया, बीच में क्या होता है 2ab होता है ना, बीच में कर देंगे 2, a के जगह पे हो गया 2b और b के जगह पे हो गया 7c, तो कितना हो गया देखिए गुना कीजिए, देखिए सेम समान रहा, 2² 4b² तो दोनों 4 से हो गया 28bc और 7² हो गया 49c², तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक लाइन और चाहिए होगा, यहाँ पे क्या हो गया कि 5a² और यहाँ पे क्या हो गया 2b यानी a - b² हो रहा है, ये a² - 2ab + b² तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2b - 7c का हो जाएगा होल स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। अब ये हो गया a² - b², अब सेम सेम कर लीजिए, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो 5a + हो जाएगा 2b - 7c, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 5a - हो जाएगा 2b और जो माइनस दिया गया वो हो जाएगा +7c, हो गया ना कितना आसान। अब देखिए कुछ नंबरिंग है तो ये तो सबसे आसान तो हम बोले यही है ना, हम बोले कैसे आप बोलेंगे सर एक काम कीजिए, क्या काम करें सर, क्या काम करें बताइए, तो 16 का 16 हो गया 256 ये -144 घटा देंगे आपको आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है आएगा स्क्वायर करके आएगा, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर आपको जो बोला गया है आपको ऐसे बनाना है a + b - b के रूप में बनाना है, तो ये हो गया a² - b² यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, समझे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ने पे हो गया 28 और घटाने पे हो गया 4, 28 * 4 हो गया 112, ऐसे बनाना है। सेम काम देखिए यहाँ पर ही, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जोड़ने पे कितना आ गया देखिए 8 2 10 7 2 9 10 हो जाएगा यहाँ पर 10, घटाने पे ये हो गया 6 बचेगा 5 में से 5.6 बचेगा, गुना करने पे कितना आ गया ये 56 आ जाएगा, हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो सिखाया है अभी इतना क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में चला आया होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में अच्छे से चला आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं मिलता हूँ कल, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए। एक और बात, आप अगर अपने से छोटों को पढ़ाते हैं तो उनको भी आप ये सब चीज़ पढ़ाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।